मम्मी 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 ने क्या हुआ? ये हो के हैं पत्रोड़ों के पत्ते निकाल दिए हैं हमने, बगीचे में लगे होते हैं ये, इस जिसको अरबी के पत्ते भी कहा जाता है। तो ये वॉश करके मम्मा ने ला दिए, बाहर खुला पानी था तो वहीं से बरात में रख लिए लाकर। अब स्टीमर लगाया जा रहा है, इसमें जो लास्ट वाला आप स्टीमर का फ्लोर देख रहे हो उसमें वाटर भर जाते हैं। ये वैसे सिडू मेकर होता है, इसमें सिडू भी बनते हैं, मोमोज मेकर भी होता है। ये जो स्टीमर मेकर होता है, जो जितनी भी स्टीम से रिलेटेड चीज़ें होती है वो इसमें अच्छे से स्टीम हो जाती है। तो इसमें पानी भर दिया है मम्मा ने और ये मिक्सचर तैयार हो रहा है अभी बेसन में। ये जो मसाले भी जो भी आपके जैसे अजवाइन होती है, थोड़ा नमक होता है वो वगैरह डालकर एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और ये मम्मा इसको मिला रहे हैं साथ में। तो मिक्सचर को मिला दिया है मम्मा ने अच्छे से और इसको बिल्कुल इसमें ना वो बट से नहीं रहने चाहिए, इसमें मिक्सचर को मिला दिया है। और कभी भी जैसे आप मिक्सचर रेडी करोगे कभी भी नमक ना ज़्यादा नहीं डालना, पहले कम ही नमक डालना उसके बाद ज़्यादा नमक डालना है आपको इसमें। तो अब इसकी जो ज़्यादा ये घना नहीं रखते हैं इसको, इसको बिल्कुल थोड़ा लाइट मतलब ज़्यादा थिक में नहीं, फॉर्म में नहीं रखते हैं इसको, बिल्कुल एक लाफी लाफी टाइप बना लेते हैं। बहुत लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत घनी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इतना स्टिकी होना चाहिए कि आप जब पत्तों पे इसको मतलब इसका लेप लगाएं तो पत्तों पे आसानी से इसका लेप टिक जाए इतना। तो ये मम्मा ने इसका लेप तैयार कर दिया और सिडू मेकर ऑन कर दिया, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसको बॉईल होने को रख लिया है वाटर को सिडू मेकर में। तो मम्मा क्या कर रहे हैं, जो पत्रोड़ू के अरबी के पत्ते होते हैं तो उनको वॉश करके मम्मा इसकी ऊपर से डंडियाँ होती है सक मतलब हार्ड सी, वो निकाल रहे हैं ताकि ये मतलब कंफर्टेबली बैठ जाए एक के ऊपर एक। तो फिर अभी ये पांच छह पत्तियाँ यूज़ होती है, जो एक सिडू का मतलब वो बनता है ना रोल, सिड्डू का बोल रही हूँ मैं, सॉरी, पत्रोड़ू का रोल बनता है ना, उसके लिए पांच छह पत्तियाँ बहुत ज़रूरी होती है। तो ये फर्स्ट पत्ती में मम्मा ने लेप लगा दिया, इसमें थोड़ा सा कम लेप लगाएंगे, इसके ऊपर वाली पत्ती में थोड़ा ज़्यादा लेप लगाएंगे। देखो जो मम्मा ने ये सिड्डू के लिए बेसन का मिक्सचर तैयार किया है ना, इसको मम्मा ने ना सब कुछ ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, जैसे लहसुन को, प्याज को और जो भी थोड़ा बहुत मटेरियल होता है, कहीं नहीं करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मम्मा का भी अपना तरीका है। तो ये तीन चार पत्तियाँ मम्मा इसके ऊपर एक के ऊपर एक एडजस्ट कर लेंगे और ये इस तरह से लगा देंगे। तब ये हो गए हैं फ्री, पत्तियों के ऊपर पत्तियाँ मतलब लेप लगा कर इनको एडजस्ट कर दिए हैं और ये मम्मा हो गया फ्री। अब इन पत्तियों को अच्छे से हैंड से मतलब इसको दबा कर प्रेस करके ताकि ये उठे ना और ईजली ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। और इसका बना रहे हैं रोल, और रोल के लिए इसको दबा दबा के बनाना पड़ता है ताकि ये पत्तियाँ फिर से उखड़े ना। आपको पता है जो तंदूर होता है ये किचन में हमारे लगा रहता है, मैक्सिमम किचन्स में होता है, जैसे विंटर्स में होता है तो तंदूर जला के बैठ जाते हैं यहाँ पर किचन में। तो ये बन गया एक रोल, रोल के बाहर से भी थोड़ा थोड़ा बेसन का ये जो लेप बनाया मम्मा ने अच्छे से लगा देंगे इसको और इसको डाल देंगे सिडू मेकर में स्टीम के लिए, पकने के लिए। तो ये हो गया है पहला रोल तैयार। क्या खा रहे हो शिवाय? क्या
तो ये पतरोड़ू के रोल बनाकर मम्मा ने रख लिए स्टीमिंग के लिए, और आप देख सकते हो इसके बाद जब स्टीम लगाने के बाद ये रोल्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब इनमें स्टीम लगाई हुई है, और अब इनको क्या करते हैं ना, जैसे ये रोल्स को हम निकाल देंगे और इनकी गोल गोल मतलब राउंड शेप में इनकी कटिंग करके, वैसे तो इसको नॉनस्टिक के पैन में अगर ज़्यादा फ्राई किया जाए तो बेटर होता है, क्योंकि ये फंसते भी नहीं और ईजिली इसको फ्राई किया जाता है, और बिल्कुल जलते नहीं है तो फंसते नहीं है तो परफेक्ट शेप में आते हैं। बट हम सिंपल तवे में थोड़ा सा तेल डाला है और इसको मतलब इसकी कटिंग करके, जैसे राउंड राउंड शेप की कटिंग करके इसको इसमें फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल, ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गए थे हमारे पतरोड़ू के पकौड़े, बोल सकते हैं इसको तैयार। पकौड़े तो क्या, सिंपल पतरोड़ू तैयार, और बहुत यम्मी बने थे। अब आप देख सकते हो वेदर, सुबह बारिश हो रही थी, अभी क्लीन हो गया था, तो आप करिए वेदर इंजॉय। पतरोड़ू तो बने थे गाइस बहुत अच्छे, और इसको पतरोड़ू भी कहते हैं। वैसे ये अरबी के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो मुझे ये पता है आसान सा है ये बनाना, और मैं भी ट्राई करूँगी पर्सनली। वैसे आज तक मैंने किया नहीं है, क्योंकि ससुराल में मेरी सास जी कर लेते हैं और मायके में मेरी मम्मा जी कर लेते हैं, तो नितिन को तो बहुत शौक होता है ऐसी ऐसी चीज़ें खाने का, लेकिन शिवाय के साथ अगर पत्तों वाला काम हो ना, तो शिवाय एक पत्ता कहाँ और दूसरा पत्ता कहाँ डाल देता है। तो इसलिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए, वीडियोस में बने रहिए। जब भी मैं अपडेट करती हूँ तो बेल आइकन प्रेस कर दें मेरे चैनल का, तो आपको लग जाएगा पता कि लतिका ने नई नई वीडियो डाली हुई है, पोस्ट की हुई है। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, और मुझे ढेर सारा फिर से प्यार देते रहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरी वीडियोस को देख रहे हो, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।